Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 13, बट मेक श्योर आपने इससे पहले के सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हो. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब आपको बिल्कुल क्लियर है. अब लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत सारी थियरी को डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, बट नाउ अब जो हम करने लगे हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है. इसमें हम लोग इस सारी जितनी इंफॉर्मेशन हमने सीखी है इसको कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. ठीक है, तो आज का इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट. और साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो इसलिए प्लीज इसको बहुत अटेंटिव होकर समझना है. अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल से हमारा मतलब क्या है? वेल, जब हम बोहर पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे थे तो बोहर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट? तो उसका जो ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो फिक्स्ड है. जिस वेलोसिटी से वो मूव रहा है, घूम रहा है, वो कांस्टेंट है, इसलिए वो भी फिक्स्ड है. फिर उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो भी फिक्स्ड है, उसका एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड है. तो सब कुछ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है. बट इस फिक्स्ड की वैल्यू क्या है? वेलोसिटी कितनी है, रेडियस कितना है, एनर्जी कितनी है? तो आज जो हम इस लेक्चर में सीख रहे हैं वो हम इस एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, इन सब की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है, वो कैसे डिराइव करते हैं वो सीखेंगे. जो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है ये क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करता है जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम और साथ ही में उसके स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करता है. बट जो कुछ भी हम डिस्कस करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी वैलिड है. मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जैसे जिन भी स्पीशीज में एक इलेक्ट्रॉन है ये सब कुछ बोहर्स एटॉमिक मॉडल उस पे वैलिड है. जैसे कि हमारे पास है Hg+, Li+2, Be+3, इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हम बोहर एटॉमिक मॉडल की हाइड्रोजन के लिए डिराइव करते हैं वो इनके लिए भी सेम रहती है. डिफरेंस सिर्फ इनके एटॉमिक नंबर दैट इज जेड में रहेगा, जो कि हम साथ में लेकर चलेंगे. अब जब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर रहे थे तो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और उसके लिए उसने कुछ चीजें बताई थी कि वो कैसे उसके अकॉर्डिंगली फिक्स्ड पाथ पे रिवॉल्व करता है. तो उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस की तरफ एक पॉजिटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको न्यूक्लियस की तरफ खींच रही है और ये जो इनवर्ड पुल है उसको एक आउटवर्ड पुल बैलेंस करती है. वो आउटवर्ड पुल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे. तो यहां से अब हमें क्या मालूम लगता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe है बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स Fc टू कीप देम इन देयर ऑर्बिट्स, राइट? तो Fe कितना है? Kze² / r², ये कहां से आया? अगर आपको रदरफोर्ड वाला सब
याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है, के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और क्यू वन क्यू टू क्या थे, चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन पे और न्यूक्लियस पे. तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड हो गए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है इसलिए हमने इसको लिख दिया जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ई, तो ये टोटल चार्ज Q1 Q2 कितना हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, राइट. तो इसलिए ये फॉर्मूला बना द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब ये क्या के क्या है, ये कूलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री एयर जो कि आप फिजिक्स में स्टडी करोगे, बट इससे आपको जो के की वैल्यू मिलेगी वो है 9 इंटू 10 पावर 9 जाउल्स मीटर पर कूलम स्क्वायर, राइट. तो इसको आपने याद रखना है कि ये क्या है. वैल्यू आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए है न्यूमेरिकल्स, और कई बारी हमारे फॉर्मूला में जो हम आगे डिराइव करेंगे में के की जगह पे ये यूज किया होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम हो कि ये क्या है, राइट. अब नेक्स्ट है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी एम वी स्क्वेयर बाय आर, तो ये भी हमें फिजिक्स से मिली, और क्योंकि एक जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर जो ऑर्बिट है वो डायनेमिकली स्टेबल है, हर मोमेंट पे उसकी स्टेबिलिटी क्या मेंटेन कर रहा है, एफ ई इक्वल टू एफ सी. तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिला, एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ही यूज करके हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी हम इसी से डिड्यूस करेंगे, राइट. तो इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप याद रखोगे, इसको याद रख लोगे तो आपसे आप कभी भी आपको ये डिराइव करने होंगे कि एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप फटाफट से डिराइव कर सकते हो. तो पहला एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव करना है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ठीक है. अब हमें बोहर ने भी एक इक्वेशन दी थी, वो क्या दी थी, एम बी आर एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एन एच ओवर टू पाई. तो अब एक ये वाला बोहर वाली इक्वेशन और एक रदरफोर्ड वाली इक्वेशन, इन दोनों को यूज करके हम अपने सारे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को डिराइव करेंगे, ठीक है. तो रदरफोर्ड वाली इक्वेशन से अगर आप ये देखोगे, ये इक्वेशन है तो इसमें R और R यहाँ पे दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो सकता है, तो इस साइड पे एक R बचेगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वेयर आर, ठीक है. अब एम वी स्क्वेयर आर को हम लिख सकते हैं एम वी आर इंटू वी, और एम वी आर की वैल्यू बोहर ने हमें दी एन एच ओवर टू पाई. तो यहां से क्या एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं कि के जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई इंटू वी, या हमारे पास वेलोसिटी की क्या वैल्यू आएगी, टू पाई के जेड स्क्वेयर ओवर एन एच, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन है, हमने वेलोसिटी का जो निकाला उसको दो इक्वेशंस हम यूज करके निकाल रहे हैं, एक रदरफोर्ड वाली और एक बोहर का एंगुलर मोमेंटम वाली, ठीक है. समझ में आ गया, अब आप ये खुद निकाल सकते हो. ओके, वेरी गुड. अब इस अगर इक्वेशन में आप देखोगे तो एक जो z है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. तो जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उन सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे. हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, बेरिलियम का 4 होगा, तो ये Z वेरी कर सकता है. ऐसे ही ये जो N है ये भी वेरी कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है कि सेकेंड में प्रेजेंट है कि थर्ड में प्रेजेंट है. बाकी सब अगर आप देखोगे कि 2 है, पाई है, K है, E है, N है, सॉरी H है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है. तो अगर हम इनकी वैल्यूज को लेकर सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय k, दैट इज 9 इंटू 10 पावर 9, मल्टीप्लाई बाय e, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय h, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34. इसकी जो वैल्यू आएगी आप सॉल्व करोगे तो 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हम इस सब को बार बार जहां पे भी क्वेश्चन में वेलोसिटी ढूंढनी हो, ये सब को ढूंढने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा 2.18 इंटू 10 पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चेंज नहीं होने वाले, ये फिक्स्ड है. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी इन द nth ऑर्बिट टू बी 2.18 इंटू 10 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय जेड बाय एन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला. फाइन, अब यहां से आप ये भी देख सकते हो कि जो ये v है वो z से प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के. इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी. ठीक है, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर तैरते रहेंगे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी. अब हमारे पास अगला एक्सप्रेशन जो ढूंढना है वो है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, और हमें अब रिलेशन ऑलरेडी मालूम है कि के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, तो आर कितना हो जाएगा, के जेड स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर. और यहाँ पे अभी जो हमने वी का एक्सप्रेशन ढूंढा था वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं वी की जगह, तो वो कितना आ जाएगा, 2 पाई के जेड ओवर एन एच. यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर ओवर जेड के एम 4 पाई स्क्वेयर ई स्क्वेयर. ठीक है, तो ये आर का एक्सप्रेशन है. और अगर हमने वी वाला हमें ना भी याद हो तो भी अगर हमारे को वो दोनों अपने बोहर वाला और रदरफोर्ड वाली इक्वेशंस याद है तो हम आर को भी ढूंढ सकते हैं. वेरी गुड, ओके. अब यहाँ पे भी अगर इस रिलेशन इक्वेशन में आप देखोगे तो एन स्क्वेयर वेरिएबल हो गया और जेड वेरिएबल हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है. नया कांस्टेंट हमने क्या ऐड किया, एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. अब ये सारे को भी आप कैलकुलेट करोगे तो आप इसको एक वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर. ठीक है, और इसको हमने एक सिंबल भी दे दिया ए नॉट, और इस ए नॉट को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस. ठीक है, तो जो आर nth ऑर्बिट का रेडियस है वो कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड, और वी कैन राइट ए नॉट टू बी 0.529 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड. ठीक है, तो ये हमारे पास nth ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला बन गया रेडियस का. ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला, ओके. और नॉर्मली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन का जेड वन है, और अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर वो नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे हो, ग्राउंड स्टेट पे हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट इज एन इक्वल टू वन में प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो उस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, आर वन इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉन्ग या 52.9 पिकोमीटर. एमस्ट्रॉन्ग इज 1 एमस्ट्रॉन्ग 10 पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 पावर माइनस 12 मीटर. ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई 0.529, तो ये कितना है, ये ए नॉट ही तो है, तो इसलिए हम इस ए नॉट को कहते हैं बोहर्स रेडियस. और जहां पे भी कहीं पे बोहर्स रेडियस लिखा हुआ हो उसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है और वो ए नॉट है. ठीक है, अब इसमें हम जो एक और चीज देख सकते हैं वो क्या थी, कि जो r है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, z के. ठीक है, तो जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट क्या है, वो कम होता जा रहा है. ओके, तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड.
ये हमें कहाँ से मालूम लगा? ये हमें मालूम लगा जब हमने कहा कि R is proportional to n square, ठीक है? तो जो radial distance between two successive energy levels है, this does not remain the same as we move away from the nucleus, और जो difference है, this goes on increasing with increase in the value of n, because R is proportional to n square, right? तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम ये कहें कि R is equal to n square, अगर R n square के बराबर हो, n को हम 1 लेंगे तो R 1 आएगा, n को अगर हम 2 लेंगे तो R 4 आएगा, n को हम 3 लेंगे तो R कितना आएगा, 9, right? तो पहले तो जो रेडियल डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वो दूर हो रहा है, तो डिफरेंस अगर आप देखोगे R1 और R2 कितना बन गया, हमने कहा 4 और 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 3, और R3 और R2 के बीच में 9 माइनस 4 5, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5, पहले का 3 दूसरे का 5, तो डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया है, राइट? तो डिफरेंस जो है, क्योंकि विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n बढ़ रहा है, इसलिए दोनों सक्सेसिव लेवल्स के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है, वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, ठीक है? तो हम इसको एक्चुअली में रेडियस के टर्म्स में भी देख सकते हैं, हमें मालूम है कि rn इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट, तो अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो r 1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यह आएगी 5.29 इनटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, R2 की वैल्यू आएगी 2.116 इनटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, R3 4.76 इनटू 10 पावर माइनस 10 मीटर, R4 8.46 इनटू 10 पावर माइनस 10 मीटर और R5 1.32 इनटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो अब ये जो इनके बीच का डिफरेंस है दो एनर्जी लेवल्स का, अगर आप सक्सेसिवली देखोगे R2 माइनस R1, दिस विल बी लेस देन R3 माइनस R2, दिस विल बी अगेन लेस देन R4 माइनस R3 एंड सो ऑन, ठीक है? तो दो सक्सेसिव लेवल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है और जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, फाइन? तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू आयन एंड द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस थ्री आयन। तो बोहर्स रेडियस क्या है, 0.0529 इनटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। सो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए एन कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है? सेकेंड ऑर्बिट है तो n2, और z हीलियम के लिए कितना है, 2, तो r2 द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0.529 इनटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंगस्ट्रॉम, और r3 रेडियस फॉर द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 ये कितना होगा, 0.529 इनटू 3 स्क्वायर बाय 4, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट उसके लिए n जो है 3 और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4। अब इनकी रेशियो ले लेते हैं R2 by R3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, सिंपल मैथ्स है, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन इज x, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द टर्म्स ऑफ x। तो अगेन रेडियस क्या होता है, 0.529 n square by z, तो r1 the radius of the second orbit of lithium plus 2 ion, this is going to be 0.529 into 2 square by 3 angstrom, और ये हमें गिवन है कि ये x है। तो अब r2 कितना है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन 0.529 n1 और एटॉमिक नंबर 2, तो 1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 0.529 को इन टर्म्स ऑफ x लिख देंगे, सो 4 बाय 3 उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3/4x, तो 0.529 कितना हो जाएगा, 3/4x। अब 0.529 की वैल्यू यहाँ पे हमने रिप्लेस की तो ये आ गई 3/4x मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3x/8। तो इन टर्म्स ऑफ x, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 3x/8। तो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर।
आई होप कि आपको ये जो लेक्चर था बिल्कुल क्लियर है. इसमें कंसेप्ट जो सिखाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो आपको सब अच्छे से क्लियर होने चाहिए और याद होने चाहिए. इन केस कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही हमें मेल भी कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com पे. अगले लेक्चर में हम इस डिस्कशन को अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में अनदर इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने सीखनी है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बोहर्स ऑर्बिट. बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे भी, तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आपके लाइक्स और अच्छा काम करने के लिए. और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए H2O केमिस्ट्री, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम एक नया लेक्चर पोस्ट करें, नया कोर्स आपके लिए पोस्ट करें. तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे लेक्चर 14 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. तो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.